Okay, now listen to me, everyone. Be quiet. Yes, the last topic of our syllabus is computers and accounting. It will carry 5 marks weightage in your final exam. Right? Totally theoretical chapter. The notes I shared with you in the group, that notes only you have to read for your exam. So yesterday also I discussed with you what we are going to cover in this chapter. Syllabus mein kuch bhi ho, hum logon ne apne topics hi karne hain, jo aage jaake aapki graduation classes mein bhi help karenge. So firstly, we will be doing the meaning of computerized accounting. Then we will be differentiating it with manual accounting. Then we have in our syllabus accounting softwares aur uske types. ठीक है, ये 500 पेजेस की थ्योरी मैंने आपको भेज दी है ग्रुप में. आप चाहो तो उसकी हार्ड कॉपी निकाल लेना, चाहो तो सेव करके रखना ड्राइव में, जो भी आपका है. बट यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम नोट्स ओनली. इसके लिए आपने अपनी कल्याणी की बुक नहीं पढ़नी. ठीक, सो लेट्स बिगिन विद द मीनिंग ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. मैंने जो नोट्स भेजे हैं उसमें मीनिंग ऑफ ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग है. ऑटोमेशन मीन्स जब आप अकाउंटिंग मैनुअली नहीं करते हो, आप कंप्यूटर की हेल्प से जब अकाउंटिंग करते हो, यू जस्ट डेवलप सर्टेन सॉफ्टवेयर्स और सारा डाटा आप अपने कंप्यूटर में फीड करते हो. मीन्स विद द क्लिक ऑफ योर कीज ऑन योर कीबोर्ड्स, यू जस्ट एंटर द डाटा रिलेटेड टू योर जर्नल एंट्री. फिर आप अपने कंप्यूटर को कमांड देते हो तो लेजर्स ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाते हैं. आप एक कमांड देते हो तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो जाता है. आप एक कमांड देते हो ट्रेडिंग P&L और नेट प्रॉफिट आपके सामने आ जाता है. और एट द एंड विद द कमांड यू कैन प्रिपेयर योर बैलेंस शीट एज वेल. मीन्स वहां पे आपको मैनुअली कुछ नहीं करना होता, बट फॉर दैट पर्पज यू हैव टू सिट विद अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. यू हैव टू गिव हिम सर्टन थिंग्स विच यू डिजायर इन योर सॉफ्टवेयर. या कभी कभार मार्केट में बने बनाए सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं, वो भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं. बट इफ यू कैन अफोर्ड टू स्पेंड अलॉट, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ बैठ के अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग, अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करवा सकते हो. नहीं तो आप बने बनाए सॉफ्टवेयर भी मार्केट से लेके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो. बट व्हेन वी सी दैट दीज सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इन द मार्केट और वी गेट इट डन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फॉर दैट वी शुड हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट अकाउंटिंग. सो दैट्स वाई पूरी बुक में हमने पहले थ्योरी में अकाउंटिंग पढ़ी. ठीक है, हमें पहले मैनुअली पता हो कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, देन ओनली यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. सो इन योर ग्रेजुएशन क्लासेस यू विल बी रीडिंग अबाउट सर्टन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और उसमें सबसे जो फेमस सॉफ्टवेयर है वो टैली है. ठीक है, और बिज है, शायद वो बिजनेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, मार्केट में बने बनाए मिलते हैं. तो अबाउट द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वी विल बी रीडिंग under this chapter about automation of accounting. That is the first paragraph I shared with you in your WhatsApp group. So let me tell you what he is talking about. जब आप accounting computer की help से करते हो तो उस accounting को हम computerized accounting कहते हैं. ठीक है, और उसके लिए आपको computer software और hardware की जरूरत पड़ती है. आप computer expert के साथ बैठ के अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कुछ सॉफ्टवेयर तैयार करवाते हो, उन सॉफ्टवेयर्स को आप इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर में, और सारा काम अब आप मैनुअली नहीं कर रहे हो, आपका सारा सिस्टम ऑटोमेटेड हो गया. सो दैट इज व्हाट ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग. जो मैंने आपके साथ डाटा शेयर किया है उसमें वो इसे कहता है ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. सो दैट इज नथिंग, दैट इज योर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग. जब आपने अपने पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस को, अकाउंटिंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, देन रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, देन समराइजिंग. समराइजिंग से पहले क्या था, यस क्लासिफाइंग. ये सारा प्रोसेस अब हमारा किसकी हेल्प से चलेगा, कंप्यूटर की हेल्प से चलेगा, उसे ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस बोलेंगे. देन इन योर नोट्स आई हैव शेयर्ड विद यू डिफरेंस बिटवीन और कंपेरिजन बिटवीन manual and computerized accounting. You tell the difference. Yes, students sitting in the class, what are the points of difference? Ek manual accounting hai versus computerized accounting. Bolo kya difference hoga dono mein? Man, yes, time consuming. Kaun si time consuming hogi? Manual.
और कौन सी क्विक हो जाएगी, ऑटोमेटेड और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, एनी अदर डिफरेंस? ओके, अगर कंप्यूटराइज है तो एरर ढूंढना इजी है, वो चलेगा ही नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो सिस्टम ही आगे नहीं जाएगा अगर आप कोई गलत डाटा फीड करोगे। लेकिन वहां पे तो एंड में आके हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करना पड़ता था, सस्पेंस अकाउंट बनाते थे, अगर वो मैच हो जाता था तो वी आर कंसिडरिंग सारे एरर्स रिमूव हो गए हैं। यू शिफ्ट एट द बैक, लीव वन बेंच इन बिटवीन एंड शिफ्ट। हरी अप, चलो जो नोट्स में पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मैनुअल में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं भाई? मैंने पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन है ना अकाउंटिंग प्रोसेस का, मैनुअल में आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? हाँ, जो ट्रांजेक्शन्स न्यूमेरिकल टर्म्स में होंगी और जो बिजनेस से रिलेटेड होंगी, ओनली दैट वी विल रिकॉर्ड। ठीक है, कंप्यूटराइज में भी ऐसे ही होगा, ये दोनों में सिमिलैरिटी है, कंप्यूटराइज में भी तो ऐसे ही करना है, जो न्यूमेरिकल टर्म्स में क्या है, कन्वर्टेबल है, आप उसे ही क्या करोगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन मानोगे और उसे रिकॉर्ड करोगे, ये दोनों में सिमिलैरिटी है। इसने जो लिखा है नोट्स के पेजेस में वो सुन लो, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इज अ मैनुअल प्रोसेस। अकाउंटिंग का प्रिंसिपल क्या होता है? सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई करके आप ये देखोगे कौन सा डाटा मेरा न्यूमेरिकल टर्म्स में कन्वर्टेबल है, कौन सी उस पर्टिकुलर आइटम की कॉस्ट है, कितनी अमाउंट है, अकॉर्डिंगली यू विल बी रिकॉर्डिंग देम। और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में भी ऐसा ही होगा, एंड हु इज गोइंग टू डू इट, द ऑथोराइज्ड पर्सन, दैट कैन बी आर क्लेरिकल स्टाफ और दैट कैन बी आर अकाउंटेंट, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट दिस टाइप ऑफ डाटा। देन वी हैव रिकॉर्डिंग, मैनुअल में रिकॉर्डिंग कैसे करोगे, पेपर पेन पे फॉर्मेट बनाओगे जर्नल का, और ट्रांजेक्शन्स में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपके माइंड में चल रहे होंगे तो आप एंट्रीज पास कर देते हो, नरेशन लिखते हो, खत्म हो जाती है कहानी। ठीक है, डेली यू डू इट। और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या होगा, यू विल जस्ट बी एंटरिंग द डाटा एंड ऑटोमेटिकली जर्नल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। देन थर्ड स्टेप क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मैनुअल में आप क्लासिफिकेशन में क्या करते हो, लेजर पोस्टिंग करते हो, जर्नल बन चुका हुआ है, हर जर्नल का जो जो अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हुआ है उसका अलग से एक लेजर अकाउंट बनाते हो, टी फॉर्मेट में होता है, एक डेबिट साइड रहती है, एक क्रेडिट साइड रहती है, डेबिट की सारी आइटम्स टू वर्ड के साथ लिखी जाती है, क्रेडिट की सारी आइटम्स बाय वर्ड से लिखी जाती है, फिर उसकी बैलेंसिंग होती है। लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में कमांड देनी है, प्रिपेयर लेजर, लेजर ऑटोमेटिकली बन के आपकी स्क्रीन पे आ जाए, दिस इज द डिफरेंस। वहां पे कितना 1000 लेजर अकाउंट्स यू आर प्रिपेयरिंग, 500 ledger accounts you are preparing, it is a time consuming or cumbersome job for you, but when you are having your computerized accounting with you, with the click of button on your keyboard, you can have the data on your screen. Like aapne command di ledger of rent account, that will be on your screen, ledger of salary account, that will be on your screen, aur closing balance ke sath bhai balancing ho ke aayega wahan pe, aap sab kuch kya karte ho, manually total karte ho aur uski balancing figure कैलकुलेट करते हो। देन समराइजिंग, कंप्यूटर में डाटा फीड है, ऑटोमेटिकली समरी तैयार हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, और मैनुअल में आप खुद ट्रायल बैलेंस बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ तक सारे स्टेप्स हैं, आइडेंटिफिकेशन वाला स्टेप दोनों में सिमिलर है, बाकी सब में क्या है, वहां पे ऑटोमेशन के साथ होना है, स्क्रीन पे डाटा ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाना है, वहां पे आप मैनुअली लिख के किया करते थे। एडजस्टमेंट एंट्रीज, फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट एंट्रीज किया करते थे, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री बोलना, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री बोलना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट एफडी टू ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो गया, करवाया नहीं फाइनल अकाउंट में, व्हेनेवर इट इज अपीयरिंग एज एन एडजस्टमेंट इट इज टू बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, सो दिस इज एन एडजस्टमेंट एंट्री। आउटस्टैंडिंग सैलरी की एडजस्टमेंट एंट्री बोलना, आउटस्टैंडिंग सैलरी की, नहीं मैंने एडजस्टमेंट एंट्री बोला, एंट्री का मतलब जर्नल एंट्री, व्हाट इज टू बी डेबिटेड एंड व्हाट इज टू बी क्रेडिट, दो एंट्रीज होनी है, हिंट दे रही है, पहली एंट्री होनी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, देन सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग करवाया नहीं हुआ, बिल्कुल ब्लैंक होके बैठे हो, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, इससे अगली कोई एंट्री होनी है कि नहीं होनी,
एशिया की एंट्री होनी है, मेरे को तो नहीं लगता कोई और है। और कौन सी होनी, ये ऑटोमेटिकली है सैलरी बढ़ गई, और सैलरी कहाँ पे आनी है, पी एंड एल अकाउंट में आनी है। अगली एंट्री अगर करोगे भी तो क्या होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आनी, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो पहले से एंट्री में क्रेडिट होगी, इसलिए ये लाइबिलिटी की तरह शो करोगे। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट एंट्री दोनों, हाँ किंजल बिल्कुल ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड टू बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, डन। प्रीपेड, प्रीपेड रेंट की एंट्री बिल्कुल ठीक है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट, सो प्रीपेड रेंट हैज बीन डेबिटेड, इट्स गोइंग टू बी योर एसेट, करंट एसेट होगा, और रेंट को आपने पी एंड एल अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफर करना है, क्योंकि रेंट क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया है यहाँ पे, मतलब रेंट कम होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट होगा, मींस रेंट को आपने क्या करना है, कम। अब मैंने ना आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज का डिफरेंस बताना है दोनों में, कि मैनुअल अकाउंटिंग में एडजस्टमेंट एंट्रीज को हम लिख के पास किया करते थे, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या होगा। एडजस्टमेंट एंट्रीज आर पास टू रेक्टिफाई एन एरर, अगर कोई गलती होती थी तो फाइनल अकाउंट्स में हम लोग वहां पे भी रेक्टिफिकेशन करते थे, और ट्रायल बैलेंस में अगर कोई गलती रह जाती थी तो लिख के रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास किया करते थे। कंप्यूटर गलत डाटा उठाएगा ही, इट विल नेवर फेच द रॉन्ग डाटा, इसमें अगर आप सही डाटा एंटर करोगे तभी इसने फंक्शनिंग करनी है, अदरवाइज इसकी फंक्शनिंग और वर्किंग क्या हो जानी है, स्टॉप हो जानी है, तो वहां पे कोई भी चांसेस नहीं होंगे कि एरर्स अराइज होंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। देन ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स, ये कोई स्टेप था या डू यू अंडरस्टैंड विद दिस टर्म ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स, सारे एसेट्स एक साइड पे, सारी लाइबिलिटीज एक साइड पे, एक साइड का मतलब उनका एक ग्रुप बना लेना, सारे एक्सपेंसेस की एक साइड, ठीक है, सारे रेवेन्यू या इनकम्स एक साइड पे, उसका मतलब है यू आर मेकिंग द ग्रुप। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, कंप्यूटर आपको बताएगा ना इमीडिएटली, सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर देगा, टोटल रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस, कंप्यूटर आपको बताएगा टोटल रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। ठीक है, लेकिन ये सारा अगर मैनुअल में होगा तो आपको सारे एक्सपेंसेस का लेजर अकाउंट का बैलेंस ढूंढना पड़ेगा और सारे एक्सपेंसेस को ऐड करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी हैविंग द कंबाइंड डाटा, टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, यू विल जस्ट गिव अ कमांड एंड इट विल वर्क एज पर योर कमांड। तो वहां पे सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। देन एट द लास्ट व्हाट वी डू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेपरेशन। मैनुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेपरेशन कैसे होगी, ट्रेडिंग अकाउंट, जीपी बैलेंसिंग फिगर, पी एंड एल अकाउंट, एनपी और एनएल बैलेंसिंग फिगर, एंड आफ्टरवर्ड्स यू प्रिपेयर बैलेंस शीट, सारा कुछ मैनुअली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से क्लिक ऑफ द बटन, आप जनरल ग्रॉस प्रॉफिट इससे पूछते हो, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, या ग्रॉस रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, जैसा आपने कमांड पहले सॉफ्टवेयर बनाते हुए इसको दी होगी, अकॉर्डिंगली इट विल बी वर्किंग। आप इसे नेट प्रॉफिट पूछोगे, ये आपको नेट प्रॉफिट बताएगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, आप इसे बोलोगे बैलेंस शीट प्रिपेयर करो, ये ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन के ऊपर बैलेंस शीट का फॉर्मेट फॉलो करते हुए बैलेंस शीट बना के बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल भी कर देगा। ठीक है, वो सारा वहां पे क्या होगा, फिर से क्लिक ऑफ द बटन, दैट इज ओनली बीइंग रिक्वायर्ड व्हेन यू आर डूइंग व्हाट, कंप्यूटराइज्ड अकाउंट। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, ही इज जस्ट रेफरिंग ऑल द स्टेप्स ऑफ योर अकाउंटिंग प्रोसेस, डन। देन नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। What is the meaning of software? अकेला software word हो तो आपने किया होता है, कंप्यूटर में छोटी क्लासेस नहीं करवाया होता, set of instructions, बस बिल्कुल, set of instructions given to a computer is named as software. तो जब आपने accounting software बनाना है तो आपने कौन सी instructions देनी है, related to your accounting process. और आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करते हो, उसको अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बताते हो, वो आपकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार करता है। जैसे हमारे स्कूल में अगर फीस का है सॉफ्टवेयर तो वो क्लरिकल ऑफिस में है, अगर लाइब्रेरी की बुक्स का रिकॉर्ड है तो वो लाइब्रेरी में है, सो दैट वी गॉट इट डन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ बैठ के उनको अपनी रिकमेंडेशंस बता के हम लोगों ने वो सॉफ्टवेयर खुद तैयार करवाए। जो सॉफ्टवेयर हम खुद तैयार करवाते हैं वो कस्टमाइज होते हैं, जो आप बने बनाए मार्केट से लेते हैं कई बार वो हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा के फीचर के साथ होते हैं और कई बार हमारी रिक्वायरमेंट के कम फीचर्स के साथ होते हैं, तो आमतौर पे हमें सफर करना पड़ता है वहां पे, उसे वैसे हम लोग रेडीमेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं या रेडी टू यूज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, यू जस्ट बाय देम, यू जस्ट इंस्टॉल देम,
लेकिन वहां पे फायदा ये रहता है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जिस कंपनी से आपने खरीदे हैं वो आपको श्योरिटी देता है कि हम अपना पर्सन भेज देंगे एंड दे विल बी रेक्टिफाइंग योर प्रॉब्लम। लेकिन अगर हमने सॉफ्टवेयर खुद बनाए हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फीस ही इतनी ज्यादा होती है कि बार बार उसकी सर्विस को लेना हमारे लिए कई बार अफोर्डेबल नहीं रहता। बट इफ योर बिजनेस कैन अफोर्ड दैट एक्सपेंसेस यू कैन डेफिनेटली बी गोइंग विद द लास्ट टाइप विच वी कॉल टेलर मेड। मैं हमेशा एग्जाम्पल इसको कैसे देती हूँ, लाइक इफ यू वॉन्ट टू लाइक अटेंड अ पार्टी, या तो आप रेडीमेड ड्रेस मार्केट से खरीदोगे, ठीक है, आपने वो ड्रेस खरीद ली लेकिन आपको लगता है कि मेरे को कुछ ऑल्ट्रेशन चाहिए। अगर आप उसमें ऑल्ट्रेशन करवाते हो, साइज की फिटिंग वगैरह करवाते हो, तो वो कस्टमाइज बन जाएगा, वो कहेगा मैं आपके साइज के अकॉर्डिंग आपको कर दूंगा। सिमिलरली इन सॉफ्टवेयर में अगर चेंजेस पॉसिबल है तो वो कस्टमाइज है, मतलब कुछ एडिशन या डिलीशन आपने करवाना है रेडीमेड वाले में, तो सेकंड कैटेगरी हमारी बन जाती है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर आपने खुद फैब्रिक लेके अपनी मेजरमेंट देके टेलर से अपनी ड्रेस बनवाई है तो दैट वी कॉल टेलर मेड। तो सिमिलरली इफ यू सिट विद द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू टेल हिम हिज योर रिकमेंडेशन, और वो आपके कहे के अकॉर्डिंग आपके डिमांड पे आपके लिए ही सॉफ्टवेयर बनाता है, और ऐसे सॉफ्टवेयर में सीक्रेसी 100% होती है, ठीक है, नोबडी कैन स्टील योर डाटा। हैकर्स हैं, हो जाएगा, लेकिन आप अपना पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग रखते हो कि वो डाटा की प्राइवेसी मेंटेन रखने की आपकी पूरी आपको श्योरिटी देता है, दैट्स व्हाई यू हैव टू स्पेंड अ लॉट, ठीक है। तो कैन यू एक्सप्लेन दीज इन योर ओन वर्डिंग्स नाउ? वन इज व्हाट रेडी टू यूज, पहला सॉफ्टवेयर, और वी कॉल इट रेडीमेड सॉफ्टवेयर, रेडी टू यूज भी कह सकते हैं, मार्केट से बना बनाया मिल रहा, ठीक है, रेडी टू यूज। इन सेकेंड इज, सेकेंड को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, कस्टमाइज, रेडीमेड ही लिया मार्केट से लेकिन उसने अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करवा ली, कस्टमर ने अपने अकॉर्डिंग अगर रेडीमेड सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करवा ली, ऑल्ट्रेशन करवा ली, तो वो कस्टमाइज बन गया। टेलर मेड आपने बनवाया है अपनी डिमांड पे है, दैट इज टेलर मेड। दिस इज द चीपेस्ट, दिस इज ऑफ मीडियोकर प्राइस, एंड दिस इज द कॉस्टलियर वन, ठीक है, ये सबसे महंगा सॉफ्टवेयर होगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल शॉर्टेज नहीं है, इफ यू कैन अफोर्ड टू हैव सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स, देन डेफिनेटली यू शुड गो विद दिस। व्हाई? बिकॉज़ प्राइवेसी यहाँ पे मेंटेन रहती है, आपकी सीक्रेसी यहाँ पे मेंटेन रहती है, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में डिटेल है हमारे सिलेबस में, बट बिफोर आई प्रोसीड आई मस्ट टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इन ऑर्डर टू डू योर अकाउंटिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर or with automation, that set of instructions we just give to our computer, and for that we hire the service of certain software engineers, then that software we call accounting software. Means ek aisa set of system jo aapki help karta hai sara accounting process computer ke through karne ki, us software ko hum kya bolte hain, accounting softwares. Ready-made software jo aapko notes bheje hain usme इसने क्या लिखा है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स आर द सॉफ्टवेयर्स दैट आर डेवलप्ड नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, दीज आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर जर्नल पर्पस। कुछ जर्नल रिटेलर्स या शॉपकीपर्स की डिमांड को माइंड में रखते हुए जो सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक नीड या स्पेसिफिक कैटेगरी को माइंड में नहीं रखा जाता, किसी खास बंदे के लिए नहीं बनाए जाते, ये सबके कॉमन यूज के लिए बनाए जाते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी थी टैली, एक्स, बिजी, प्रोफेशनल अकाउंटेंट, दीज आर सर्टन रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। देन वी हैव, मैंने बोला था इस टॉपिक में से या तो फीचर्स पूछे जा सकते हैं या किसी एक का एडवांटेज या डिसएडवांटेज पूछा जा सकता है। अब जब मैंने आपके साथ नोट शेयर करे हैं तो फीचर्स आर नॉट सेपरेटली गिवन। मान लो मैं रेडीमेड सॉफ्टवेयर के फीचर्स पूछती हूँ तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर मेरिट एंड डीमेरिट्स। आप कोई भी मेरिट या डीमेरिट लिखोगे वो उसका फीचर भी होगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम ने फीचर्स तो करवाए नहीं थे, पेपर में फीचर्स पूछ लिए। आपको पता है ना फीचर्स का मतलब क्वालिटीज होता है ना बेसिकली, तो क्वालिटीज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब मैं पॉजिटिव की बात करूंगी तो एडवांटेज कैन ऑल्सो बी द फीचर, डिसएडवांटेज कैन ऑल्सो बी द फीचर। तो यू कैन जस्ट मिक्स मर्च फीचर अगर पूछे जाएं तो ये मत सोचना कि हमें करवाया नहीं है या बताया नहीं है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। डन? विल यू टेल मी एनी मेरिट ऑफ रेडी टू यूज? सबसे पहला चीपेस्ट या इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। अगर आप ज्यादा पैसा नहीं स्पेंड करना चाहते, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उस केस में आप बना बनाया सॉफ्टवेयर मार्केट से ले लेना।
रेडीमेड सॉफ्टवेयर आर प्रिपेयर्ड नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर यूजर, ये जनरल यूजेस के लिए है, ठीक है। तो आपको अगर ज्यादा पैसा नहीं स्पेंड करना, बना बनाया सॉफ्टवेयर मार्केट से ले सकते हो। रेडीमेड सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, एक वर्ड नोट्स में होगा, ऑफ द शेल्फ, ऑफ हाइफन डाल के लिखता है द शेल्फ, क्या मतलब है इसका, ऑफ द शेल्फ, हाँ बना बनाया मार्केट में। जैसे आप मार्केट में से बॉर्मिटा का डिब्बा लेने चाहते हो या ब्रेड लेने चाहते हो तो बनी बनाई है, आपके पास चॉइस हो सकती है कि इसका वर्जन 1 या वर्जन 2 है, ठीक है, या अपडेटेड वर्जन है, तो वहां पे आपको चॉइस मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी, बट बना बनाया है, आप इसमें अपनी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये रेडी टू यूज रहते हैं, आप मार्केट से बाय करते हो, ज्यादा से ज्यादा वो आपको इंस्टॉलेशन की सर्विस दे देता है साथ में फ्री, कि मेरा बंदा आएगा और आपके कंप्यूटर में इसे इंस्टॉल कर देगा और आपको इसकी वर्किंग भी समझा देगा। सो सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर ऑलवेज अवेलेबल ऑफ द शेल्फ। देन रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स आर डेवलप्ड बाय अ ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, ये मत सोचना कि ये किसी स्टूडेंट ने तैयार किए होंगे, प्रोफेशनल्स ही इसे तैयार करते हैं, तो इसमें कोई खास खामी नहीं होती, लेकिन यूजर फ्रेंडली भी होते हैं, ठीक है, आप आसानी से इन्हें यूज कर सकते हो। देन दीज सॉफ्टवेयर्स लाइक एनी अदर प्रोडक्ट रिक्वायर्स मेंटेनेंस, मेंटेनेंस तो है भाई, अगर कोई अपडेटेशन है या आपसे कोई वर्किंग रुक गई है या कभी हैंग हो गया है सिस्टम, तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दोज प्रोफेशनल। तो जिस सेलर से आपने खरीदा होता है उसके पास उन प्रोफेशनल्स के क्या होते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, वो आपके साथ शेयर करता है। कई बार होता है ना, लाइक वी आर बाइंग एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो हम सबसे पहले बोलते हैं क्या सिटी में इसका सर्विस सेंटर है, मोबाइल फोन लेते हैं तो भी पूछते हैं क्या सिटी में इसका सर्विस सेंटर है, सो दैट इन केस वी आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो कस्टमर केयर पे डायल करके हम सर्विस सेंटर की सर्विस ले सकें। तो सेम इसका केस है, इन सॉफ्टवेयर्स के लिए मेंटेनेंस की जरूरत रहती है, टाइम टू टाइम अगर कोई अपडेटेशन आई है या सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है तो आप उन नंबर्स को डायल करके आप उनसे रिपेयर वगैरह इनकी और मेंटेनेंस करवा सकते हो, ठीक है। हाँ, रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड बाय अ नंबर ऑफ यूजर्स, तो सीक्रेसी नहीं मेंटेन होती है, टैली आपके कॉम्पिटिटर ने भी यूज किया है और आप भी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका बीच में डिस्टिंक्शन पॉइंट क्या है, आप उससे हटके क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डाटा चोरी होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। इफ यू वॉन्ट टू रियली मेंटेन अ सीक्रेसी ऑफ योर बिजनेस लाइक पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज, तो डोंट गो विद दिस रेडीमेड सॉफ्टवेयर, बेटर टू इंस्टॉल योर टेलर मेड सॉफ्टवेयर इफ यू कैन रियली स्पेंड अलॉट, अगर आपकी कैपेसिटी है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हमेशा टेलर मेड के साथ ही जाना। Like every coin has two sides, same is the case with ready-made softwares. If it has certain advantages, it is suffering with certain disadvantages. Who will tell any disadvantage? Secrecy maintain नहीं होगी. Secrecy नहीं maintain होगी. ठीक है. कई बार क्या होता है? Like मान लो इसमें वो कहता है कि billing का भी तो software होता है ना? Accounting software है तो बीच में billing का भी software है. कई बार क्या होता है? Billing की जो capacity उसने install करी है वो हमारी यूजर से क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक। इसमें उसने बोला कि 1 महीने में 1 लाख तक बिल जनरेट हो सकते हैं, हमारा बिजनेस बहुत ही स्मॉल स्केल पे है, 1000 के आसपास भी नहीं हमारे बिल होते, इट मींस कि 99,000 जो बिलिंग इसमें हो रही है वो हमारी यूजर्स के बाहर है, लेकिन वी पेड फॉर इट। तो कई बार क्या रहता है, इसकी कैपेसिटी हमारी यूजर्स और डिमांड से क्या होती है ज्यादा, लेकिन हम उसमें कमी नहीं करवा सकते क्योंकि कई इन बिल्ड सिस्टम्स हैं जिनमें चेंजेस भी पॉसिबल नहीं। तो इसके लिए आप कई बार ज्यादा चीज के लिए पे कर देते हो लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं होती, डन। तो ये भी लिमिटेशन बन सकता है। बाकी देखते हैं इसने क्या लिखा है। यस, रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स आर विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर्स, विंडो बेस्ड यू अंडरस्टैंड, विच सपोर्ट ओनली लेजर जेट प्रिंटर्स फॉर आउटपुट इन फिजिकल फॉर्म। लेजर जेट प्रिंटर बहुत पुराने होते हैं जिसमें डॉट मैट्रिक्स की तरह प्रिंट आउट आता है और कई बार उसकी लिजिबिलिटी नहीं होती, और आमतौर पे हमारे बिजली के बिल इसी फॉर्म में आते हैं लेजर प्रिंटर में, क्योंकि उन्होंने लमसम में वो प्रिंट आउट करना होता है तो वो सोफिस्टिकेटेड प्रिंटर अफोर्ड ही नहीं करते कि इतनी प्रिंटिंग करने के लिए वो आपका इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर करें, ठीक है। टेलीफोन का बिल भी ले पता है ना आपको, डॉट्स डॉट्स में होती है प्रिंटिंग, ठीक है, तो वो ज्यादा सस्ती पड़ती है, लेकिन इसके लिए जब हम इसमें से प्रिंट आउट कोई निकालेंगे तो कई बार ऐसे प्रिंटर्स की लिजिबिलिटी ज्यादा नहीं होती, तो इसलिए उसने इसको ड्रॉबैक कह दिया। पर उसने बोला प्रिंटिंग बाय लेजर प्रिंटर इज मोर एक्सपेंसिव देन द डॉट मैट्रिक्स, फिर ये उलट है, डॉट मैट्रिक्स में डॉट वाला कह रही हूँ, इसमें लेजर प्रिंटर ही होना, इस सॉफ्टवेयर लेजर प्रिंटर जो हमारे छोटे वाले प्रिंटर्स होते हैं
जैसे कैनन का प्रिंटर है जिसमें मतलब रिफाइंड आती है प्रिंटिंग, डॉट मैट्रिक्स के कंपैरिजन में लेजर प्रिंटर क्या होता है, महंगा। मैंने उलट बता दिया आपको, ड्रॉबैक तो तभी बनेगा ना अगर इसमें प्रिंटिंग क्या पड़ेगी, महंगी पड़ेगी। इसमें सिर्फ लेजर जेट प्रिंटर ही सेट होते हैं, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स इसमें नहीं चलते, इसलिए ये ज्यादा हमें महंगा पड़ता है प्रिंटर नॉर्मली, या महंगा पड़ता है सॉफ्टवेयर नॉर्मली। रेडीमेड सॉफ्टवेयर डू नॉट हैव द फैसिलिटी ऑफ सेकेंडरी बैकअप, बैकअप फैसिलिटी नहीं रखता, ठीक है। एक बार डाटा कर दिया, अगर बिन में से भी डिलीट कर दिया तो डाटा गया परमानेंटली, ठीक है, इसमें सेकेंडरी बैकअप नहीं रहता। हैड यू बिन प्रिपेयरिंग योर ओन टेलर मेड सॉफ्टवेयर, तो आप उसे अपनी बताते ना डिमांड, मेरे को सेकेंडरी बैकअप भी चाहिए, कल को कहीं मेरा सिस्टम हैंग हो गया है या बीच में कोई वायरस आ गया है तो मेरे पास डाटा का बैकअप रहे। तो प्राइमरी बैकअप तो रहता ही हर सिस्टम में, लेकिन अगर वो भी उड़ गया है तो सेकेंडरी बैकअप का परमिशन आप जरूर इंस्टॉल करवाओगे, लेकिन रेडीमेड सॉफ्टवेयर में आमतौर पर बैकअप का सिस्टम नहीं होता। और बिजनेस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे को 5-10 सालों तक संभाल के रखनी होती है एज पर गवर्नमेंट रिकमेंडेशन समटाइम्स, लाइक पिछले 10 सालों के आपके वैट के बिल या GST के बिल आपको संभाल के रखने होते हैं, लेकिन अगर सारा डाटा उड़ गया और सेकेंडरी बैकअप ही नहीं है सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में, इट बिकम्स अ बिग लिमिटेशन ऑफ इट। सो ओनली 2 limitations आर देयर, एक सेकेंडरी बैकअप का प्रोविजन नहीं है, एक ये सिर्फ लेजर जेट प्रिंटर से ही चलता है विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है। कस्टमाइज का क्या बताया मैंने मीनिंग, हु विल टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। रेडीमेड सॉफ्टवेयर में ही कुछ रेडीमेड सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनमें चेंजेस पॉसिबल है और आप अब कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें कुछ एडिशन और डिलीशन करवा सकता है, वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। और एक बात मजे की क्या है, जो मेरिट्स और डीमेरिट्स रेडीमेड की हैं वही कस्टमाइज की हैं, तो अलग से नोट्स में नहीं है। उसने एक लाइन लिख दी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आर सेम एज ऑफ रेडीमेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। हम सिर्फ इसका मीनिंग पढ़ेंगे क्या लिखा उसने, तब कस्टमाइज यू नो अदरवाइज। वैसे कस्टमाइज का मतलब ऑर्डर पे है ना, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या बात करते हैं कि जो मार्केट में अवेलेबल है अगर उसमें चेंजेस करवा सकते हो तो वो कस्टमाइज बन जाती है, मीन्स कस्टमर की डिमांड के, कस्टमर जो चाहता है आप उसमें प्लस माइनस कर देते हो। द टर्म कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मीन्स मेकिंग चेंजेस इन द रेडीमेड सॉफ्टवेयर टू सूट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, दैट इज मेकिंग इट यूजर स्पेसिफिक। वैसे मैंने बोला है रेडीमेड सॉफ्टवेयर जर्नल यूज के लिए है, हर कोई यूज कर सकता है, लेकिन कई बार सेलर ही कहता है अगर आपको ये फीचर नहीं चाहिए मैं डिलीट कर दूंगा और 500 रुपया कम हो जाएगा, होता है ना कहीं पर, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 1 महीने में 1,00,000 बिल जनरेट होने हैं, मेरे सिर्फ 1,000 के आसपास होते हैं, तो why I will be requiring 99,000 billing more, तो हम उसे बोलेंगे ये फीचर डिलीट कर दो, मैक्सिमम 1,500 हो जाएंगे, अगर डिमांड बढ़ भी जाएगी आप 1,500 तक या 2,000 तक की बिलिंग की कैपेसिटी रखो, बाकी इसमें डिलीट कर दो सिस्टम में से, एंड फॉर दैट यूर एक्सपेंडिचर और कॉस्ट विल ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड, गेटिंग इट। तो जब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेडीमेड सॉफ्टवेयर में चेंजेस करवा लेते हो उस सॉफ्टवेयर को हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। द सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑफ द शेल्फ इज मॉडिफाइड टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, मींस जो आपकी जरूरत है उस जरूरत को माइंड में रखते हुए रेडीमेड सॉफ्टवेयर में चेंजेस हो जाती है, मॉडिफिकेशन हो जाती है। एग्जाम्पल मेरे वाली एग्जाम्पल ही दी है, बिल वाली देखना जरा। फॉर एग्जाम्पल द डिजाइन ऑफ इनवॉइस इज चेंज टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द यूजर। मान लो यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बना, वहां पे 1,00,000 बुक्स हैं और मेरे स्कूल में सिर्फ 10,000 या 20,000 बुक्स हैं, तो मैं 1,00,000 वाली बुक्स का मेरे को सॉफ्टवेयर क्या क्या फायदा, मैं उस रेडीमेड सॉफ्टवेयर में के साथ अगर जाऊंगी भी तो आई विल जस्ट रिड्यूस द कैपेसिटी, अगर वो उसमें पॉसिबल होगा तो आई कैन कस्टमाइज इट, अदरवाइज आई विल बी प्रेफरिंग टू मेक माई ओन सॉफ्टवेयर विच विल बी एज पर माई नीड्स विच वी कॉल टेलर मेड सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज की मेरिट्स और डीमेरिट्स आर सेम एज ऑफ योर रेडीमेड सॉफ्टवेयर, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा रह गया एक सिंगल पैराग्राफ, एंड टुमारो आवर सिलेबस विल बी फिनिश्ड, आई एम टेलिंग। दो बातें पहले सुन लो, सब्सिडरी बुक्स एंड डेप्रिसिएशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सेकंड टर्म, सब्सिडरी बुक और डेप्रिसिएशन नहीं आना, बाकी सारे चैप्टर जो हमने सेकंड टर्म में किए हैं आने हैं, BRS डेप्रिसिएशन नहीं, कुछ नहीं, जब मैंने बोले थे डेप्रिसिएशन नहीं आना मींस नहीं आना, नहीं आना चैप्टर डिलीट है समझो, ठीक है। अब जो आने हैं चैप्टर वो लिखो, BRS प्रोविजन एंड रिजर्व्स, BRS प्रोविजन एंड रिजर्व्स, ट्रायल बैलेंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट्स एंड कंप्यूटर्स इन अकाउंट, दैट्स इट।